अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, तो स्वागत है आपका जारे के किचन में। चलिए दोस्तों, आज बनाती हूँ बैगन और आलू मसालेदार, और कुकर में बनाऊंगी। झटपट से बनना है, फटाफट से, गर्मी के मौसम में जितना जल्दी हो सके किचन में से काम खत्म के जल्दी जल्दी हट जाना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके, और डालती हूँ 2 चम्मच तेल। मस्टर्ड ऑयल है बैगन के साथ, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। आपके पास है तो जरूर डालें। तेल गरम होने पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मेथी, मस्टर्ड सीड है, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूंगी, 2 सूखी मिर्ची है वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। उसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को, बिल्कुल केयरफुली भूनिएगा। यहाँ पर प्याज के साथ हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि प्याज अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट के साथ भी भुन जाए। क्योंकि दोनों कच्चे मसाले हैं इसलिए मैं पहले डाल रही हूँ, और बाकी जो सूखे मसाले रहते हैं मैं थोड़ी देर के बाद ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर ही 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़े से पानी ऐड कर दूंगी ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का जो पेस्ट है अच्छी तरह से भुन जाए। 4 से 5 मिनट देखिए हो गया है अदरक लहसुन और प्याज को भुंजाते हुए, खुशबू भी हल्का हल्का आ रही है। अब इसमें मैं सूखे मसाले भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन सबसे पहले चूल्हे का फ्लेम को हमें लो करना है। और मसाले कभी भी भूंजे तो आप लो फ्लेम पे ही भूंजे, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जलेगा नहीं और भुंजाएगा अच्छा, उसका टेस्ट जो खुशबू है अच्छा निखर के आएगी। ठीक है, तो चलिए सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। मसालों में सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच, छोटे चम्मच से है देख लीजिए। मिर्ची का पाउडर 1 छोटा चम्मच, अच्छा आप तीखे के हिसाब से भी मिर्ची ले सकते हैं, ये मैं ऐड कर देती हूँ। धनिया का पाउडर लूंगी 2 छोटे चम्मच, बिल्कुल मसालों की क्वांटिटी याद रखिएगा तो कभी भी टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे नमक, इसमें ऐड कर देती हूँ नमक, मिक्स कर लेना है। मसालों को भी भूंज के हमें 2 मिनट हो गया है, 1 से 2 मिनट। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे ताकि मसालों के साथ साथ टमाटर भी भुंजा जाए। ये 2 टमाटर है, अच्छा आप टमाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, और मिर्ची की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट से ले ले जितना आपको तीखा पसंद है, और टमाटर भी जितना खट्टा पसंद है आपको उस हिसाब से ले ले। और अगर आपको नहीं पसंद है बिल्कुल भी टमाटर तो स्किप कर दे, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो ली थी प्याज, वो पेस्ट ली थी प्याज का, उसको कट करके मैं नहीं डाली हूँ। अगर आप चाहे तो इसको कट करके डाल सकते हैं, लेकिन पीसोगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब याद रखोगे ना तो सब्जी का जो टेस्ट रहता है बहुत ही निखर के आता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दोस्तों मेरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और घर में जरूर ट्राई करिए। तो यहाँ मैं डाल दूंगी टमाटर को। मसालों से तेल सेपरेट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाले भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा भुना गए हैं, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे बैगन, जो कि मैं कट करके पानी में डुबा के रखी थी। अच्छा, बैगन जब भी काटे उसको खाली ना छोड़े, जरूर पानी में डालें वरना बैगन काले पड़ जाएंगे, ये एक टिप है आपके लिए। ज्यादातर लोगों को पता ही होता है, लेकिन जो नए नए कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए ये टिप है। तो यहाँ पर ही मैं आलू और बैगन को डाल के अच्छी तरह भूनना है हमें, तकरीबन 4 से 5 मिनट जरूर भूजे मसालों के साथ सब्जियों को। आप चाहे तो लो फ्लेम करके भून सकते हैं, तो हाई में भी रख के भूजिए। अगर आप सामने खड़े हैं तो हाई में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर थोड़ा थोड़ा देर में आपको चलाना है, सिम करते हैं बीच बीच में चलाते हुए इसको भूज ले 4 से 5 मिनट।
यहाँ पर मैं आपको दो से तीन चीज बताती हूँ। जब भी देखिए मसाले, जब भी आप डालें मसालों को अच्छी तरह भूंजे तब आप सब्जियाँ डालें, ठीक है। इससे क्या होगा ना, मसाले भी अच्छी तरह भुंजाएंगे, सब्जियाँ भी, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। कभी भी कच्चे मसाले में आप सब्जियाँ डाल देंगे तो उसका भूनने में तो टाइम लगेगा ही, लेकिन टेस्ट में भी थोड़ा फर्क आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जाननी बहुत जरूरी है जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं, और नए जो सीख रहे हैं उनके लिए भी ये टिप है। और नमक का अंदाज, ये सब आप एक अंदाजे से अगर डालोगे ना तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि कहीं पर भी हर जगह चूंकि स्पून अवेलेबल नहीं होते हैं, तब ये चीजें आपको काम आएगी। अंदाजा से हर चीज आप डालोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी अच्छी तरह मसाले भी भुंजा गए हैं, बैगन भी भुंजा गया है, आलू भी भुंजा गया है, और तेल देखिए कितनी अच्छी तरह से सेपरेट भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी पानी को, तो यहाँ पानी डालती हूँ, आपके हिसाब से डाल लीजिए कितना में बैगन और आलू सॉफ्ट होगा। तो इसको कुकर को लगा के हमें एक सीटी लगानी है, इसी में गल जाएगा, और एक एक जगह बहुत टाइम लगता है तो आपके हिसाब से आप गला लें। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए यहाँ पर बैगन आलू की ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों अगर मेरी बनाई रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नियमतों से नवाज, मिलती फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ बैगन और आलू की ग्रेवी बन चुकी है। तो दोस्तों आपको अगर मेरी बनाई ये रेसिपी पसंद आई हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाज, मिलती फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में जरूर याद रखें।